मेरे दोस्त, मैं बात करने जा रहा हूँ के आर वर्सेस आरसीबी का, जो कि यह मुकाबला आज देखने को मिला था। बहुत ही लाजवाब मुकाबला था। मुकाबला देखते तो आप भी हैरान रह जाते। मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि एक बार फिर से गंभीर और विराट कोहली चर्चे में आए, सुर्खियाँ बटोरे। जी हाँ मेरे दोस्त, चलते हैं। जो कि मैंने बात कर रहा हूँ केकेआर वर्सेस आरसीबी का, जो कि आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ था, जो कि यह मुकाबला ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 50 रन 36 बॉलों में मारा, वहीं ने फिलिप सॉल्ट ने मारा 14 बॉलों में 48 रन। वहीं मैं बात करूंगा आंद्रसेल का, जो कि 20 गेंदों में 27 रन बनाकर लगभग स्कोर 222 पर पहुंचा दिया, 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। वहीं मैं बात करूंगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, जो कि यह भी बहुत बड़ा मुकाबला हुआ, बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ। मैं बात करने जा रहा हूँ विल जैक्स का, जो कि विल जैक्स ने 32 गेंदों में 55 रन बनाए हैं। वही रजत पाटीदार वही 23 गेंदों में 52 रन बनाए हैं। वही दिनेश कार्तिक को जब मैं बात करूँगा, जो कि उन्होंने दिनेश कार्तिक ने भी अच्छे खेले और अच्छे परफॉर्मेंस है। वही मैं बात करूँगा दिनेश कार्तिक, जो कि 18 बॉलों में 25 रन बनाए हैं, जो कि यह स्कोर लगभग 1 रन से हार गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि 221 रन पर 20 ओवर में 221 रन मात्र बना पाई। और यह मुकाबला एक बॉल से ही फिर से आरसीबी ने एक बार फिर से हार गई केकेआर से, जो कि अभी तक गंभीर ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि ये कुछ आज तक जीता उता कुछ नहीं है, बस ऐसा ही का नाम है, बस यह नाम तो ऐसा ही का है, अफवाह है। पर यह सही फिर से देखने को साबित हुआ, जो कि गंभीर सही बोले थे, जो कि केकेआर ने 1 रन से यह मुकाबला जीत लिया। जी हमें दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे।